गाजियाबाद से बड़ी खबर आपको बता दें, DGGSTI की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। 362 करोड़ की टैक्स चोरी का खुलासा किया है। मामले में 3 जालसाजों की हुई गिरफ्तारी। 275 से ज्यादा फर्जी कंपनियों के मिले दस्तावेज। 3,179 करोड़ के फर्जी बिल काटे गए। दिल्ली से गिरफ्तार किए गए 3 आरोपी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली के विकास नगर से विपिन कुमार गुप्ता, मॉडल टाउन से उसके साथी योगेश मित्तल और साथी टिंकू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। तीनों फर्जी कंपनियां बनाकर फर्जी बिल जारी कर सरकारी खजाने को चूना लगा रहे थे। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के बाद इनकी जांच शुरू की गई। जांच के बाद शक के दायरे में आई 2 कंपनियों के ठिकाने पर अधिकारियों ने छापा मारा। इस दौरान 200 से ज्यादा कंपनियों की फाइलें, मोबाइल फोन, डिजिटल सिग्नेचर और साथ ही टेबल कार्ड, सिम कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड और साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस, ऑफिसों की चाबियां, चेकबुक, रबर और मोहरे बरामद किए गए हैं। जांच के बाद अधिकारियों को पता चला कि इन कंपनियों का डाटा क्लाउड में सेव रहता है। डाटा एनालिसिस और साथ ही साक्ष्यों से पता चला कि तीनों जालसाजों ने 275 कंपनियां बना रखी है, जो सिर्फ पेपरों में अस्तित्व में है। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनिल चौधरी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनिल, DCCGI की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है और ऐसी कंपनी को पकड़ा किया है जो कि चोरी करते थे, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ GST इंटेलिजेंस गाजियाबाद की टीम ने ये 362 करोड़ की टैक्स चोरी करने वाला 3 जालसाजों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनकी काफी लंबे समय से ही सूचना मिल रही थी और ये तीनों, जिसमें से जो मुख्य जो है, इसमें मुख्य जो अपराधी है वो विपिन कुमार है, जो कि दुबई से बैठ के ही सारे गिरोह को इनको ऑपरेट कर रहा था और काफी लंबे समय से ये सरकार को चूना लगा रहे थे। GST को फर्जी तरीके से जो है टैक्स की चोरी जो है की जा रही थी, जिसमें कि आपको बता दें तीनों लोगों को गिरफ्तार जो है अब कर लिया गया है। कल मेरठ में पेश भी इनको कर दिया गया था, जिसमें कि तीनों अपराधियों के नाम हम आपको बताना चाहेंगे। विपिन कुमार जो है इसमें मुख्य आरोपी है, जो कि मॉडल टाउन से गिरफ्तार किया है दिल्ली से, जो कि दूसरा जो है इसमें योगेश है, योगेश मित्तल, और दूसरा टिंकू यादव, जो कि ये तीनों जो है काफी जालसाज है और काफी सातराना तरीके से ये जो टैक्स चोरी किया करते थे, जिसमें कि लगभग 3100 करोड़ की ये फर्जी बिल काट कर काफी तादाद में जो है फर्जी तरीके से टैक्स की चोरी जो कर रहे थे, जिसमें कि ईडी को भी इसकी सूचना मिली थी। ईडी ने भी जब ये विपिन दुबई से वापस आया तो तभी इसके लिए टीम जो है गठित कर दी गई थी। जैसे ही इसका यहाँ पर दिल्ली आगमन हुआ तो उसके बाद में विपिन के जो पासपोर्ट थे वो जब्त कर लिए गए थे और साथ ही जो 2 जो साथी थे इसके, वो पहले से उनकी गिरफ्तारी हो चुकी थी। और साथ ही मैं आपको बता दूं, जो इनका गिरोह जो चल रहा था, ज्यादातर जितने भी फर्जी बिल जो काटे गए थे वो दिल्ली और नोएडा और जो है गाजियाबाद, तीनों एरियो में जितनी भी फर्जी कंपनियां जो मिली हैं वो इन्हीं 3 एरियो में मिली हैं। ठीक है अनिल, देखना होगा कि आखिर और क्या कुछ सबूत पुलिस के हाथ लगते हैं, प्रशासन के हाथ लगते हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।